वेलकम टू माई न्यू व्लॉग. गुड मॉर्निंग. सो अभी बज रहे हैं, गैस करिए कितने बज रहे होंगे. लाइट खोलिए तो 5:30 अराउंड हो ही रहा है. और ये देखिए, ये दोनों बच्चे सो रखे थे. ये बच्चा तो सो रहा है, वाला बच्चा उठ गया है. और आज हम कहीं जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए, ब्लॉग में बने रहिए. औरतों को खाली ऐसा क्यों बोलते हैं कि टाइम लगाती हैं तैयार होने में? हम औरतें टाइम नहीं लगाती हैं. देखो, सुबह उठ के नहाया धोया, पूजा करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर मम्मी जी ने बाहर का काम किया, गाय वाय का. और ये देखो, हम तैयार भी हो गए हैं. और ये देखो, ये अभी तक सोए हुए हैं. और बोलते हैं कि हम लेट लगाते हैं तैयार होने में. और ये देखो, ये अब जाके तैयार हो रखे हैं. ये इतनी लेट हुए. और अभी हम पहुंच चुके हैं लामा चौड़. अनिम कोरोना आ गया था क्या? आंधी बहुत है उधर पे. हम तो जैसे बीच में तो कोई से साथ ही हम तो इधर से आए हैं. हम इधर से आए हैं, बाकी उधर से आए हैं. हम उस रास्ते आए ना. अभी हम जाएंगे काला डूंगी बजाय 13 किलोमीटर. हम पहुंच गए स्वर्ग के रास्ता है. घंटा स्वर्ग का रास्ता है. यहाँ पे बहुत बोर है, धूप बहुत गर्म हो रहा है. स्वर्ग का रास्ता पहाड़ों में है. पेड़ों में कैसे हम जा रहे हैं? रामनगर साइड को. यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, बाहर से बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, पर फिर भी हम जा रहे हैं. देखा हमारा पैशन आजकल गर्म में जा रहे हैं. लोग पहाड़ों में जाते हैं, हम यहाँ जा रहे हैं. पर पहाड़ों में आजकल टूरिस्ट आए हैं तो वहाँ बहुत भीड़ हो रही है. मतलब ऊपर साइड को जाने और जाने में बहुत तकलीफ होगी आपको, बहुत वेट करना पड़ेगा. और हम पहुंच चुके हैं गर्जिया मंदिर के पास. और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है. गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं हो रही यहाँ पे. मतलब अभी भी गर्जिया मंदिर वो अभी थोड़ा दूर पे है और लोगों ने अभी से यहाँ पे पार्क कर रखा है. आप देख सकते हैं, ये देखिए ट्रैक्टर आ रहे हैं. ये देखिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है. ये ट्रैक्टर वाला क्या कर रहा है? वो देखो तो गाड़ी में चिपका दिया उसने. ये ऐसे क्या घुमा घुमा के चला रहे हैं? बेबी ये क्या कर रहा है? ये ट्रैक्टर वाले ने ठोक दी गाड़ी, अब लड़ाई होगी. देखो इतनी भीड़ हो रही है यहाँ गर्जिया मंदिर में. क्या कर रहे हैं मम्मी? मंदिर मचा रखे हैं. हम जाएंगे नीचे को. हमारी गाड़ी कहीं वॉशिंग के लिए लगाना है. अरे लगाना छोड़, यहाँ जाने भीड़ भी अंदर देख. चौकी में लगा दिया मुझे. यहाँ देखो आप गर्जिया मंदिर में इतनी भीड़ हो रही है और हमने गाड़ी वहाँ पे खड़ी करी है और मंदिर वो वहाँ पे है. और अब यहाँ से मतलब पैदल जा रहे हैं हम 3-4 किलोमीटर. ये गाड़ी वाला मुझे दबाएगा. और बहुत ही धूप हो रही है. हाय हाय जलने वाले की हो रही है. और वो देखिए नोनू भी जा रहा है. मुझे वैसे धूप से इतनी एलर्जी है. हे माता रानी गाइस, मैं सोच रही हूँ मैं पीछे से लटक के जाऊँ बस के. इतना पैदल कौन चलेगा यार, आदत ही नहीं है. जहाँ जाओ गाड़ी से जाओ, जहाँ उतरो स्कूटी से उतरो. ये माता रानी मुझे लग रहा है परीक्षा ले रही है. और ये देखिए हमें कुछ नहीं जाएंगे. देखिए कैसे बस के नीचे बैठे हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं.
क्या यार। देखो मौसी को लाने का ही फायदा, बच्चा उसने पकड़ा है। और ये आ चुका है हड़िया मंदिर फाइनली। ये देखिए आप कितनी भीड़ हो रही है, आप देख सकते हैं आप। हाँ गजब ही भीड़ हो रही है, मतलब पहली बार देखी है मैंने इतनी भीड़। मैं आई थी यहाँ बहुत पहले पर इतनी भीड़ नहीं थी, मतलब सुनसान था। और आज तो गजब ही हो रहा है यहाँ, मतलब जगह ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ पे। दुकानें देख सकते हैं आप सजी हुई हैं, माता की दरबार की दुकानें हैं। यहाँ लंगर भी लगा हुआ है, खा रहे हैं लोग यहाँ बैठ के। नोनी वहाँ गर्मी से परेशान हो चुकी है। ओ बाबरे, ये देखिए यहाँ पर कैसे, हाँ ये नज़ारा देखिए, यहाँ का नज़ारा देखिए कैसे नहा रहे हैं लोग, इतनी भीड़। कोरोना चले गए है ऐसा इन लोगों को लग रहा है। रामनगर से थोड़ा सा आगे है ये मंदिर यहाँ पे। इस बस अभी सीज़न टाइम चल रहा है ना, तो आपको यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। मतलब क्या ही कहूँ, नदी का हाल देख के तो मतलब कुछ कहना ही नहीं आ रहा है। वो भी वही है। ये देखिए पसीने से कैसी हालत हो रही है मम्मी जी की, पूरा अभी ये देखो हवा लगाते गर्मी लग गई भाव को। यहाँ मम्मी जी बैठी हुई है गाड़ी का वेट कर रहे हैं, बहुत गर्मी हो गई, बहुत पैदल चल गए हैं। आज माता रानी ने बहुत परीक्षा ले ली है। घर पहुंच चुके हैं, हमने खाना खा लिया है और अब हम सो रहे हैं। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि सो रहे हैं। ये शैतान बच्चा सोने देगा तभी तो सोएंगे। ओके बाय। और आपको ब्लॉग कैसा लगा आज का, प्लीज़ कमेंट डाउन और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।